हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी वेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की टॉप 7 बेस्ट ब्लॉकबस्टर और मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर पर बेस्ड मूवीज़ के बारे में। दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था टॉप 5 बॉलीवुड सस्पेंस मूवीज़ के बारे में। अगर आपने अब तक उस वाली वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बॉलीवुड की ही तरह हमारे कई सारे दोस्त जो कि साउथ इंडियन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, तो उन सब के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, रेड कलर वाले बटन को टच करके सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज की इस टॉप साउथ इंडियन सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज़ की लिस्ट में 7 नंबर पर आती है फिल्म सेवंथ डे, जिसको IMDb ने दिए है 6.9/10 की रेटिंग। सेवंथ डे एक 2014 में रिलीज़ हुई मलयालम इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने IPS ऑफिसर का रोल किया है। इस फिल्म की कहानी 5 दोस्तों और पुलिस ऑफिसर डेविड पर है। फिल्म के शुरू में ये दिखाया जाता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जो लड़का होता है उसको बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ठीक अगले ही दिन वो लड़का वहाँ हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और बाद में उसका मर्डर भी हो जाता है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इस मर्डर को किसने अंजाम दिया, इसका किलर कौन है और बाकी सब इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म YouTube पर भी अवेलेबल है, तो आप YouTube पर इस फिल्म को देख सकते हो। नंबर 6 पर आती है फिल्म यू-टर्न। 2018 में रिलीज हुई यू-टर्न फिल्म, जो कि एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। ये कहानी एक टाइम्स नाउ में काम करने वाले रिपोर्टर की है, जिसका काम होता है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले लोगों पर न्यूज़ और आर्टिकल पब्लिश करना। उसी काम के सिलसिले में ये लड़की किसी इंसान से मिलने जाती है और दूसरे दिन उस आदमी का मर्डर हो जाता है। तो आखिर ये मर्डर किस वजह से हुआ, इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है और इस मूवी का सस्पेंस क्या है, इन सब के जवाब आपको इस फिल्म में मिल जाएंगे। इस फिल्म को IMDb ने दिए है 7 की रेटिंग 7/10 और ये फिल्म आपको शुरू से लास्ट तक बांधे रखती है और फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही खास है। मैं आरकेपुरम फ्लावर पर होने वाले एक्सीडेंट्स पर एक स्टोरी तैयार कर रही हूँ, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है? तो इसलिए तुम उसे मार दोगी? मैंने उसे नहीं मारा। तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर, मेरे पास सिर्फ सुंदर का ही नहीं 10 और लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हैं। तुम्हारी डायरी में जिन 10 लोगों के नंबर लिखे हैं वो लोग मर चुके। आज की इस लिस्ट में 5 नंबर पर है फिल्म मायावान, जो कि 2017 में रिलीज की गई तमिल लैंग्वेज की एक सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म है और जिसको डायरेक्ट किया है सिवी कुमारन ने। अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो ये फिल्म एक जाबाज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की है, जिसका नाम है कुमारन, जिसकी आंखों के सामने एक खतरनाक और ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग का बैलेंस खो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस और डरा डरा सा रहता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक ही है जो कि बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर है। इस हालत में क्या होगा, कुमारन इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है या नहीं, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है, तो आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने अधिकारों को नजरअंदाज करके वो रिसर्च आप लोगों के सामने रख दूं। ट्रस्ट मी सर, इस केस को मैं ही क्लोज करूंगा। हो चुके खून और ये खून सब में फर्क तो है, लेकिन पहले के खून और इस खून में लिंक है, ये वो खूनी हमें इन्फॉर्म कर रहा है। भूत भूत पर विश्वास नहीं है सर, उसके बर्ताव में फर्क तो आ रहा था। जैसा कि अभी अभी सर ने कहा कि एक के बाद दूसरे के शरीर में भूत उतर गए। नंबर 4 पर आती है अगली फिल्म गोदाचारी। इस फिल्म का हिंदी नाम है इंटेलिजेंट खिलाड़ी। 2018 में यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, जिसे डायरेक्ट किया था शशि किरण टीका ने। इस फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के की है और उसका परवरिश और देखभाल उसके मामा के पास होता है। इस लड़के का ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो अपने पिताजी की तरह एक रॉ ऑफिसर बने। तो कैसे उसे इस ड्रीम को पूरा करने में प्रॉब्लम आती है, उसे कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। IMDb ने इस फिल्म को दिए है 7.8/10 की रेटिंग और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। आपको ये फिल्म YouTube पर भी मिल जाएगी। रॉ इंडिया का फंक्शनल आर्म सप्लायर। अगर हम टोनी तक पहुंच जाते हैं तो पिछले 10 साल में पूरे वर्ल्ड की एजेंसीज में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। मौका हमें डिले नहीं कर। यहाँ भी कोई है क्या मेरी मदद के लिए? अपनी जान बचाने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या अलर्ट रहने के लिए वार्निंग दे रहे हैं? आप
आज के हमारी इस लिस्ट की अगली मूवी है मुंबई पुलिस, जो 2013 में रिलीज की गई साइकोलॉजिकल एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था रोशन एंड्रयूज ने। और इस फिल्म के एक्टर पृथ्वीराज, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका नाम है एंथनी, और वो अपने फ्रेंड के मर्डर केस का छानबीन करते हैं। और जब वो इस मर्डर केस को सुलझा लेते हैं तो वो अपने बॉस को फ़ोन करके उस किलर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना मेमोरी लॉस कर बैठते हैं। तो इस फिल्म में आगे क्या होगा, एंथनी को मर्डर के बारे में कुछ याद आएगा या नहीं, इन सब के जवाब आपको इस फिल्म के लास्ट तक समझ में आ जाएंगे। ये फिल्म अब तक यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन आप इस फिल्म को वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। नंबर दो पर आती है फिल्म D16, जिसका तमिल नेम है दुरुवंगल फातिनरु, जो कि 2016 में रिलीज़ की गई तमिल लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और जिसे डायरेक्ट किए थे कार्तिक नरेंद्रन ने। इस फिल्म की शुरुआत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखने लायक भी। इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारिश वाली रात होती है और उसी रात में एक नकाबपोश आदमी एक कपल को मार डालता है। फिल्म की कहानी में एक पुलिस ऑफिसर भी है, रहमान यानी दीपक, जिनका एक पैर किसी एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो चुका है। ये फिल्म भी मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वाली हिंदी डब मूवी है, जो कि आपको कभी भी बोर फील नहीं होने देगी। ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। तो आज की इस लिस्ट में नंबर एक पर आती है फिल्म रत्सासन, जो कि एक 2018 में रिलीज़ की गई तमिल लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है राम कुमार ने। यह फिल्म बेस्ड है एक पुलिस ऑफिसर अरुण कुमार, जो कि विष्णु विशाल है, और एक साइको किलर की कहानी पर। अरुण कुमार का सपना होता है कि वो फिल्मों में डायरेक्टर बने, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है और बार बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो तंग आकर पुलिस में ज्वाइन कर लेते हैं। तभी एक एक करके कई लड़कियों को किडनैप करने का और उनका ब्रूटल और खौफनाक तरीके से मर्डर करने का केसेस सामने आते हैं। हालांकि अरुण इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए सस्पेंड भी हो जाते हैं, फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इस केस की जड़ तक पहुंचने की, और उस साइको किलर को बड़ी भागदौड़ और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पकड़ लेते हैं। ओवरऑल ये फिल्म पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी और IMDb ने इस मूवी को 8.7 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। अगर आपने अब तक ये मूवी को नहीं देखा तो यूट्यूब पर इस मूवी को देख सकते हो। आई होप कि आपको ये 7 क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्में अच्छी लगी होगी और सभी ने इन फिल्मों को ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।